नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महीने भर से कम का वक्त बचा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। विपक्ष जहां सीट बंटवारे से लेकर केजरीवाल की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों में उलझा हुआ है, वहीं बीजेपी ने पहले चरण ही नहीं पूरे चुनाव में विजय की रणनीति बना ली है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी कैसे फ्रंट फुट पर है और विपक्ष बैक फुट पर, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में 21 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो लगा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सहानुभूति का लाभ मिल जाएगा। केजरीवाल के समर्थक जगह जगह धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन बीजेपी ने भी स्थिति का मुकाबला करने की रणनीति पहले से ही तय कर ली थी। बीजेपी के कार्यकर्ता भी केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से दे रहे हैं। इक्कीस मार्च के बाद दिल्ली में हालात ये है कि आम आदमी पार्टी सहानुभूति लूटने की जितनी भी कोशिश कर रही है, बीजेपी उसमें पलीता लगाती दिख रही है। बीजेपी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने शराब घोटाले में जनता का पैसा लूटा है, उन्हें जेल भेज कर सरकारी एजेंसियों ने अपना काम किया है, इसमें सत्ता के दुरुपयोग जैसी कोई बात नहीं है। शुरू से ही एक ही बहाना अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है, ये जो समन्स आ रहे थे ये इलीगल है और मेरे ऊपर किसी प्रकार से कोएर्सिव एक्शन अर्थात अरेस्ट इत्यादि नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पाक साफ हूं। किंतु हिंदुस्तान के जो कानून है, जब कानून के सामने जाके अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं तो ठीक उसका विपरीत तो होता है। कागजात देखने के पश्चात, सबूतों को देखने के पश्चात, कानून का हर पक्ष, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे वो हायर कोर्ट हो, सभी का ये मानना है कि जो हुआ है वो न्यायोचित हुआ है। और आपने यह भी देखा है, दो दिन पहले इस पूरे विषय को लेकर आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में जाने की कवायद भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी अपने याचिका को वापस लेना पड़ा था अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं मगर आप हिंदुस्तान के कानून से बड़े नहीं हैं। ऐसे हालात में जब केजरीवाल की पार्टी को चुनाव की तैयारी में लगना चाहिए था, वो अपने नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल जेल में है और कार्यकर्ता सड़कों पर। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, आम आदमी पार्टी से अपने नेता ही नहीं संभल रहे हैं। बुधवार को पंजाब के जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए। केजरीवाल को पंजाब से लगा ये झटका छोटी बात नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर भी उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वो भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो कोई दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने साथ जोड़ती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण रविवार को सामने आया जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की पांचवी सूची जारी की। इस लिस्ट में दूसरे दलों से आए तीन नेताओं को बिना देर किए ही टिकट दे दिया गया। जिन सियासी दिग्गजों को टिकट मिला वो कुछ घंटे पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। इस लिस्ट में कांग्रेस के पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल का नाम भी है, जिन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के ही तीन घंटे के अंदर टिकट दे दिया गया। इसके अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे 78 साल के रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी में आ गए हैं, तो उन्हें भी टिकट दे दिया गया। आंध्र प्रदेश में वी वर प्रसाद राव जगन मोहन का साथ छोड़कर बीजेपी में आए तो उन्हें भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना लिया। राव YSRCP के विधायक और आंध्र प्रदेश से पूर्व सांसद रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का पूरा फोकस चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने और अब की बार 400 पार के टारगेट पर है, जिसमें बीजेपी ने खुद के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए को 400 पार जाने का। बीजेपी तमाम विरोधाभासों को दरकिनार करते हुए इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी आलाकमान दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट दे रहा है।
अपनी पार्टी की प्रदेश यूनिट्स की ओर से सुझाए गए पार्टी नेताओं के नामों को खारिज करने में भी संकोच नहीं कर रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के रणनीतिकार सिर्फ अपनी पार्टी की प्लानिंग नहीं कर रहे बल्कि विरोधी दलों पर भी नजर रखे हुए हैं। अगर किसी भी पार्टी से कोई नाराज और जिताऊ कैंडिडेट मिलता है तो बीजेपी उसे गले लगाने में पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों और 21 मार्च को हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक और मोर्चे पर कामयाबी हासिल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को फटकार के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे का हिसाब सामने आया, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला। बीजेपी को चंदा देने वाली कंपनियां दागी थी। चुनाव में अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा ज्यादा उछलता है तो ये बीजेपी के खिलाफ जा सकता था, क्योंकि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सबसे बड़ी लाभार्थी है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव की आवाजाही के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी मुद्दा नहीं बन सका है। चुनाव 7 चरण में होने हैं। पहले चरण की बाजी में अभी फिलहाल बीजेपी को बढ़त दिख रही है। विपक्ष के ढीले ढाले रवैये से आगे के चरणों के चुनाव भी एक तरफा दिखे तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।